Hello to everyone. Today we will be started class 4th. Here the topic, new topic B point, uses of participles and infinitive. तो 11 देखिए, ask, advise, allow, command, force, forbid, invite, encourage, compel and beg, order, image, permit, persuade, tell, require, teach, etc. followed by object plus two plus verb की second form. तो ये हुआ order. ठीक, जहाँ पर ask, advise, allow, command, force, forbid, invite, encourage, compel, beg, order, image, instruct, permit, persuade, tell, require, indent and renate था. ओके, teach, etc. followed by, तो ये structure होगा object two plus वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि ये फॉर्मेट होना चाहिए. फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो देखिए इसको, ही देखिए ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो इसको देखिए, क्योंकि ये हाँ इधर He advised me to do it. Okay? तो ये होगा, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का. अब एक नोट है, नोट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको. बट इफ़ देयर आर यूज इन पैसिव वॉइस देन दे आर फॉलोड बाई टू एंड वर्ब. टू एंड वर्ब फॉर्म पे फॉलोड होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी. देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम. तो फॉलोड किससे हुआ? टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो विद हिम. तो ये हुआ इसका नोट का एग्जाम्पल. अब 12th पॉइंट देखिए, नो इज फॉलोड बाई हाउ, वेयर, वैन, नो. ओके, तो फॉलोड बाई हाउ, वेयर, नो, वैन, वाई एंड इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल देखिए, आई नो टू राइट अ लेटर, जो कि गलत था. तो क्या होगा? हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो हाउ टू, हाउ टू यूज होगा राइट अ लेटर, जो ये करेक्ट होगा. अब 13 देखिए, 13 में इसको एक्सप्लेन करते हैं. After let, bid, behold, watch, see, feel, make, etc. are used bare infinitive. Bare infinitive means बिना टू के, बिना इन्फिनिटिव के, not टू इन्फिनिटिव. टू इन्फिनिटिव नहीं यूज होगा. बेयर इन्फिनिटिव मीन्स होता है बिना इन्फिनिटिव, बिना टू के. तो एग्जाम्पल, आई हेयर हिम, टू लगा है, स्पीक. ओके, स्पीक के पहले ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स. तो जैसा कि इसमें देखा था, स्पीक इन सब के, ठीक, हेयर, स्पीक, ये सब है. तो इनके पहले, इनके बाद में क्या होगा? टू का यूज़, इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा, तो टू हटा देंगे, तो करेक्ट हो जाएगा. ठीक, अब 14 देखिए, 14, वेयर इन्फिनिटिव इज़ यूज्ड Where infinitive is used, modal auxiliaries. Modal auxiliaries कौन सी है? Can, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, dare, not, need, no. ठीक, ये हैं modal auxiliaries. ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, You need not to work hard. तो यहाँ पर टू लगा है, बिकॉज हेयर बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए, टू हटा देंगे तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.